उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुक्रवार को विश्वविद्यालय स्तरीय दो दिवसीय कला प्रदर्शनी अभिव्यंजना का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के ललित कला और संगीत विभाग में आयोजित किया गया। इस संबंध में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के ललित कला और संगीत विभाग के विभागाध्यक्ष उषा सिंह ने बताया कि कला सृजन के साथ साथ उसका प्रस्तुतिकरण भी अत्यंत आवश्यक है, जिससे समाज को एक नई दिशा मिलती है, साथ ही मानव जीवन के प्रत्येक बिंदुओं पर सकारात्मक प्रकाश डालती है। प्रदर्शनी में शोध छात्रा निधि गुप्ता, साधना सिंह, आराधना गौड़, श्रेया श्रीवास्तव, काजल कश्यप, श्वेता यादव आदि ने प्रतिभाग किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के ललित कला और संगीत विभाग के विभागाध्यक्ष उषा सिंह ने कहा, मैं प्रोफेसर उषा सिंह, विभागाध्यक्ष ललित कला एवं संगीत विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। ये प्रदर्शनी हम लोगों को अभी उच्च शिक्षा से एक गाइडलाइन आया हुआ था, सेशन अगस्त से जुलाई तक का पूरा प्रोग्राम, तो दिसंबर से बाकी समय तो बीत चुका है, तो दिसंबर से 4 दिसंबर से प्रोग्राम जुलाई तक का हम लोगों ने हर मंथ में एक एक प्रोग्राम एग्जीबिशन का और म्यूज़िक का ऐसे करके रखा हुआ है, जिसकी ये पहली कड़ी है अभिव्यंजना के रूप में। और समय कम होने के कारण हम लोगों ने विभागीय स्तर पे ही और बाहर के बच्चों को इनवाइट नहीं कर पाए, तो विभागीय स्तर पे ही एमए और ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, उन्होंने ये अभिव्यंजना चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया है। और इससे हमारे युवा पीढ़ी को एक अपनी भावाभिव्यक्ति का अवसर मिलेगा, इस उद्देश्य से इस एग्जीबिशन को किया गया है।